देश के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बागेश्वर धाम में भी रक्षाबंधन का पर्व धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। 3 दिनों तक रक्षाबंधन का पर्व यहां पर मनाया गया, जिसमें देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी बहनों ने आकर बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को राखी बांधी और उन्हें उपहार भी भेंट किए तथा अपनी रक्षा का वचन भी लिया। गौरतलब है कि रायपुर छत्तीसगढ़ की सुल्ताना भी यहां पर आई थी, जो कि सनातन धर्म अपनाकर शुभी दासी बन चुकी हैं। शुभी ने भी बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को राखी बांधकर रक्षाबंधन का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया। जय श्री राम सीताराम, जय बागेश्वर धाम की, जय गुरुदेव भगवान की, जय मेरे प्यारे भैया की। मेरा नाम शुभी दासी है। मेरा पहला, मैं अपने जब धर्म में थी, हमारे धर्म में रक्षाबंधन नहीं चलता, लेकिन मेरे मन में आशा रहती थी कि काश मैं भी इस तरह से रक्षाबंधन अपने भाइयों के साथ मना पाती, राखी बना पाती, राखी बांध पाती, जो कि एक अटूट बंधन होता है ना, इसलिए मेरे मन में हमेशा उत्सुकता रहती थी। लेकिन आज मेरा ऐसा लग रहा है कि एक बहुत बड़ा बरसों का ड्रीम सपना जो था वो पूरा हो गया। बहुत खुश हूँ, शब्द नहीं है मेरे पास बताने के लिए मैं कितनी खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। और सुबह से ही एक्साइटेड थी कि भैया को राखी बांधना है, भैया को राखी बांधना है करके, बहुत खुशी लग रही है। बालाजी के चरणों में भी मेरी यही कृपा, मतलब प्रार्थना थी कि मैं जल्दी से जल्दी भैया तक पहुँच जाऊँ, राखी बांध लूँ। थोड़ा समय लग गया आने में, भीड़ है इतनी, जाहिर सी बात है, लेकिन मैं बताऊँ क्या, मुझे शब्द नहीं मिल रहे हैं बताने के लिए। ऐसा लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी की आज फिर से एक दूसरा जन्म हुआ है, तीसरा जन्म हुआ है। पहला जन्म तो चलो जो भी था वो छोड़ो, वहाँ भी थी तो ऐसा लगता था कि मैं शरीर से मुस्लिम हूँ, लेकिन मेरी आत्मा सनातनी थी। जो एक पंछी रहता है ना, जो पिंजड़े में कैद रहता है, एक पंछी जो पिंजड़े में कैद रहता है, तो उस पंछी को यह जताया जाता है कि यही तुम्हारा घर है, यही तुम्हारा खाना पानी दाना पानी जो भी दिया जाता है, लेकिन उसका जो असली घर होता है वो आसमान होता है, उसकी उड़ान जिंदगी होती है। और आज मुझे वैसे ही लग रहा है कि मैं कैद से निकल चुकी हूँ और सनातन में आके अपनी उड़ान भर रही हूँ, गुरु जी के माध्यम से, भैया के माध्यम से। बालाजी के चरणों से यही अर्जी लगाई थी कि आज जो मेरा दिन है रक्षाबंधन का पहला दिन, इसके बाद से मेरी ज़िंदगी में कभी कोई तकलीफ ना हो, और जो ये राखी मैं आज मनाई हूँ, मरते दम तक के भैया को राखी बांधती रहूँ। गौरतलब है कि न सिर्फ क्षेत्र के बल्कि दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, गुजरात सहित विदेशों से भी महिलाएं यहां पर पहुंची थी और उन्होंने बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को राखी बांधकर रक्षाबंधन का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस दौरान बागेश्वर धाम में बड़ी संख्या में महिलाओं की भीड़ उमड़ पड़ी। रश्मि सुखा, आज गुरु जी के रक्षाबंधन है तो हमारी बच्ची उनको भाई मानती है, तो हम गुरु मानते हैं उनको, तो हम अपने गुरु के लिए आए थे। राखी बांधी आपने? नहीं, हमारी गुड़िया ने बांधी। बहुत अच्छा लगा और गुरु भाई ने मुझसे कहा कि तुम सेवा के साथ मेवा भी खाओ, तो मुझे मेवा भी खाने मिला और बालाजी महाराज की बहुत बड़ी कृपा मेरे ऊपर है, तो मैं कहना चाहूँगी कि सबके ऊपर बालाजी महाराज कृपा करें। कैसा लगा राखी बांधने में? क्या राखी बांधने में बहुत अच्छा लगा, ऐसा लग रहा था कि आज सारे भाई मुझे एक साथ मिल गए। मैं घर पर अपने भाई को छोड़ के आई हूँ, मैंने अपने भाई को राखी नहीं बांधी पर इन्हें राखी बांधने आई हूँ। हमें अच्छा लगा बहुत, गुरुजी से हम मिले हैं, हमने राखी बांधी है और इनसे मिलके अच्छा लग रहा है हमें। दुआ मांगी है गुरुजी के लिए? बस ये मांगी है, खुश रहें, आशीर्वाद दो हमें बस। क्या नाम है? मेरा नाम लक्ष्मी देवी है, झारखंड राज रांची से। कितने दिनों से आप? एक महीना हो गई मेरी आज, मैं गुरुजी के राखी बांधने के लिए मैं रही हूँ, समझे ना। बहुत अच्छी लगी, गुरुजी अपने से प्रसाद ही दिए, दुपट्टे दिए, हाथ में उनका टीका लगाए। आप पिछले एक महीने से राखी? हाँ, एक महीने में गुरुजी की राखी बांधने के लिए मैं रह गई। गुरुजी मेरा सेवादान भी, मुझे गुरुजी के आदेश है,
तो बहुत अच्छी लगी मुझे। कहाँ से आई हैं आप? क्या किया राखी बांधे? और क्या किया? मुझे बहुत खुशी हो रहा है आज राखी बांध के। मैं पहली बार गुरुजी को देखी हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। क्या कहा गुरुजी ने? मैंने पूछा गुरुजी नमस्ते, तो मुझे नमस्ते बोले वो सब। बहुत अच्छा लगा है, भाई बहन का पवित्र त्यौहार है और हमें यहाँ आके बहुत अच्छा लगा है। एक हमारे नए भाई मिले हैं हमको, और बालाजी को हम भाई मानते हैं, शिव जी को मानते हैं, और ये बागेश्वर धाम के जो हमारे महाराज जी हैं धीरे शास्त्री जी, आज मतलब जीवन सफल हो गया यहाँ आके, और आगे भी आने क्या का दुआ मांगी है गुरुजी को लेकर? दुआएं मांगे हैं हमारे भैया ऐसे ही सलामत रहें, हमारी उम्र और सबकी दुआ इनके साथ रहे, दीर्घायु हों, हरदम ये संस्था चलती रहे और भक्त बढ़ते रहे बालाजी के, और सबका दुख दूर होता रहे। क्या नाम? मेरा नाम लक्ष्मी है, गोरखपुर से। क्या कहेंगे यार गुरु को राखी बांधने? गुरु जी को राखी बांधने बहुत अच्छा लगा है, सुबह से ही इंतजार कर रहे थे हम लोग बांधेंगे बांधे, आज अभी को जाके बांधे, बहुत अच्छा लगा है। क्या दुआ मांगी गुरु जी को? बस घर वाले अच्छे से रहे, फैमिली वाले अच्छे रहे। आज हमें बहुत खुशी हुई गुरु जी को राखी बांध के, दिल को बहुत शांति मिली हमें, हम बहुत खुश हैं आज उनको राखी बांध के। बहुत दिनों से इंतजार था, कम से कम बहुत एक साल से इंतजार ही था उनका। क्या दुआ मांगी है गुरु जी के लिए भगवान? बस गुरु जी ऐसे मुस्कुराते रहें, बस ऐसे ही खुश रहें, बस हो गया। आज का इतना पावन अवसर है, बस यही कहूँगी कि गुरुदेव भगवान जो मेरे प्यारे भैया हैं वो हमेशा खुश रहें, प्रसन्न रहेंगी, खूब लंबी आयु, बस ऐसे लोगों के लिए जग कल्याण करने करते रहें। कितना उत्साह था गुरु जी को राखी बांधने के लिए जब घर से निकले? एक्साइटमेंट वो तो पूछो मत आप, वो तो पूछो मत, शब्द नहीं है, मतलब शब्द नहीं है।